हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी क्लास को ऐड करना चाहते होंगे ड्राइविंग लाइसेंस में। अब क्लास क्या है मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ मोटर गियर जो क्लास है उसके लिए अप्लाई किया होता है, यानी कि सिर्फ बाइक स्कूटर स्कूटी के लिए अप्लाई किया होता है तो उनका लाइसेंस बन गया होता है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो लाइट मोटर व्हीकल जाने की जो कार वगैरह का जो लाइसेंस है वो भी ऐड करें, तो बहुत सारे लोग अलग से अप्लाई करते हैं। तो आपको अलग से अप्लाई नहीं करना होता, उसी लाइसेंस में आपको क्लास को ऐड करना होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक लाइसेंस बनवा लिया है जो कि सिर्फ आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर इनके लिए एलिजिबल है, यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर या मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो इसमें अगर आप क्लास को ऐड करवाना चाहते हैं, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या हैवी लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी क्लास को ऐड करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास जैसे कि मोटर साइकिल विद गियर का एक लाइसेंस है, तो अभी मेरे को लाइसेंस बनवाना है लाइट मोटर व्हीकल का, यानी कि कार वगैरह का, तो उसमें मेरे को क्लास को ऐड करना होगा। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा लाइट मोटर व्हीकल का उसी एग्जिस्टिंग। मैंने लर्नर लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको क्लास को ऐड करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा परिवहन। परिवहन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा parivahan.gov.in, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद परिवहन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे लिखा होगा लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। आपको सिंपली ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस, आपको सिंपली मोर पे क्लिक कर देना होगा। मोर पे क्लिक करने के बाद जो भी सारथी की वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर देना होगा, जो भी आपकी स्टेट होगी आपको सिंपली वो सिलेक्ट कर देनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्किप कर दें और यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होंगी ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई आप क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा DL एक्सट्रैक्ट, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद DL एक्सट्रैक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स स्टेजेस लिखी हुई हैं, उसको हम साइड पे रखेंगे। लेकिन इसके बाद आपको नीचे करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि इस सर्विसेज में कौन कौन सी, यानी कि ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, इसमें आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं, इसमें क्लास को ऐड कर सकते हैं, नेम वगैरह एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें आप इस ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। मैं आपको बता दूं जिनकी एज 40 साल से ऊपर की है तो उनको एक ये डाउनलोड फॉर्म नंबर A1A को भी डाउनलोड करना होगा, यानी कि ये जो मेडिकल फॉर्म होता है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके उसके ऊपर साइन करवाने होंगे ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना होगा। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की जो लास्ट इंडोरेस्ट डिटेल्स है वो आपको शो होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्फर्म दैट अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माई, यानी कि जो ऊपर डिटेल्स आपको शो हो रही है वो आपकी ही है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी जनरल है जनरल ही रहने देना है। नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर देना होगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है RTO का वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे RTO भी सिलेक्ट, आप दो ऑप्शन है, आप जिस डायरेक्टली RTO को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी RTO होगा वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो स्मार्ट कार्ड डिटेल है वो आपको शो होंगी, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होंगी। आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है
acknowledge that your DL will be delivered to as below, यानी कि आप एक बार कंफर्म कर दे कि जो आपका लाइसेंस होगा वो इस एड्रेस पे डिलीवर होगा। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हो, कौन सी सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है इश्यू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, चेंज ऑफ एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस, इश्यू ऑफ NOC, एडिशनल एंडोर्समेंट टू DL, उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ DL, यानी कि अगर आप दूसरा कोई DL इशू करवाना चाहते हैं रिप्लेसमेंट, वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होगा, डुप्लीकेट DL होगा, सारी चीजें आप यहाँ से अपने सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एड क्लास को करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे एडिशनल एंडोर्समेंट टू DL पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आएंगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जो पहले लाइसेंस था वो MGWG था, अभी हमें लाइट मोटर व्हीकल के लिए करना है, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे करना होगा और यहाँ पे सिंपली ये सिलेक्ट कर देंगे LMB, यानी कि जो भी आपने, तो यहाँ पे आपने जो भी लर्नर लाइसेंस का टेस्ट दिया होगा, यानी कि जैसे आपने LMB लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा और वो आपका पास हो चुका होगा, पास होने के बाद आपको एक लर्नर लाइसेंस इशू हो गया होगा, तो वो डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। आप यहाँ पे टिक कर दे और कंफर्म पे क्लिक कर दे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड कर देना होगा। तो यहाँ पे डाउनलोड क्या है, आपको सिंपली ऑनलाइन ही करना है, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऑनलाइन इसको फिल कर दें तो और सबमिट पे क्लिक कर दें। तो ये फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिल कर देना होगा। यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, आपको वी वाले पे सिर्फ यस करना है, बाकी वाले पे नो क्लिक कर देना। अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अलग से इसकी डिटेल्स आपको देनी होगी, लेकिन आप सिंपली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आई रिलेटेड या जो भी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए, तो आप सिंपली वी पे यस करें, बाकी नो करके यहाँ पे नीचे आपको सिंपली ये कंसेंट देना होगा और सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज अ फिजिकल फिटनेस, ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन एज मेडिकल फिटनेस ये सबमिट हो चुका है, आप क्लोज कर दें इसको। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो डिटेल्स हैं यस पे क्लिक कर दे। अदर नेक्स्ट आता है आई एम विलिंग टू डोनेट, अगर आप ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हो यस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। और ये कैप्चा जो है वो आप यहाँ पे फिल कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कैंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस, यू वुड आल्सो बी रिसीविंग द रेफरेंस नंबर थ्रू SMS ऑन योर मोबाइल, तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा। तो आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दे, तो इस तरह से इसको प्रिंट करके अपने पास रखने होंगे। एक लर्नर लाइसेंस हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका ओल्ड वाला था वो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देने होंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको शो होंगी, आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फी पेमेंट को कंप्लीट करना होगा और स्लॉट को बुक कर देना होगा। फी पेमेंट के रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो भी जितनी भी पेमेंट आपकी होगी वो आपको पे करनी होगी, इसके बाद आपको एक स्लॉट बुक कर देना होगा। ये मैंने डिटेल्स में वीडियो बताई हुई है पेमेंट और स्लॉट के रिलेटेड, वो आप देख लें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको पेमेंट कर दे। पेमेंट का जो टोटल रहेगा वो है 1050 रुपये, वो आपको सिंपली यहाँ पे करने होंगे और पे नो पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे कर दे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखे और जहाँ मेरी पहले वाली जो पेमेंट रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर था ऐड करने का, क्लास व्हीकल क्लास को ऐड करने का आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। तो इससे पहले आप लर्नर लाइसेंस बना दे, उसके रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले से। तो ये सारी डिटेल्स थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।